वो थोड़ी डिस्टेंस डिस्टेंस पे, ओके, एक हवेली एक जगह पे, एक जगह ऐसी है, तो 3-3.5 किलोमीटर का रन अप होगा। वॉकिंग करना चाहो तो एजी यूज, और ऑटो हायर करना चाहो तो एजी यूज, क्योंकि अपना व्हीकल मोनोमेंट तक नहीं जाएगा, क्योंकि पतली पतली गली। तो अभी हम लोग कल जा रहे हैं हवेलिया देखने के लिए, हम लोग होटल के पोर्ट से, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पोर्ट में वही सब हथियार वही है जो हम लोग देखा, तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं देखने का। दूसरा भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ का, और ऐसा ही लग रहा है हम हर बार टूटते हुए मैंने दो बार ट्राई किया A few inches later. तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फोर्ट से और यहाँ पे आए हवेली देखने। फोर्ट में हम लोग ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, और हथियार हथियार तो हमने सब उदयपुर जयपुर में देखे हुए थे, ट्राइट नहीं किया, बोला कि इससे अच्छा आप लोग हवेली देख लो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ऑलरेडी उदयपुर जयपुर देख लिया तो वो सेम ही चीज़ है, बस ऊपर से व्यू एक बहुत अच्छा सिटी का, और हमने व्यू तो आपको दे दिया है दो जगह से। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर हवेली देखने के लिए, 3 हवेलियाँ हैं, और हाँ पटवा की हवेली के लिए हमने 300 रुपये की ऑटो लेके आए, तो डेफिनेटली हम ऑटो लेके आए, चल के बहुत वहाँ से दूर होगा। डिस्ट्रिक्ट एक होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किंग एक ही होता है, और किंग के रेजिडेंशियल पार्ट को बोलते हैं फोर्ट। अब राजा के जो बड़े अहदे पे लोग काम करते थे, जैसा कि दीवान, सेनापति, बिग मर्चेंट, उनके जो कैटेगरी वाइज बिग हाउसेज रहते हैं उनको बोलते हैं हवेली। हवा प्लस वेली, एयर प्लस बिग हाउस, ज़्यादा विंडो वाला, ज़्यादा झरोखों वाला, हवादार रोशनदान मकान, हवेली। तो इस स्पॉट को बोलते हैं दीवान नथमल जी की हवेली। दीवान नथमल जी की हवेली, दीवान मीन्स जस्ट लाइक अकाउंटेंट। हमारे एक किंग हुए महारावल बैरीसाल सिंह, उन्होंने दीवान नथमल जी के काम से खुश होकर ये प्रॉपर्टी बना के उनको गिफ्ट की। ये प्रॉपर्टी अपने आप में फेमस है, एक तो अपने स्टोन कार्विंग वर्क के लिए, और इसको दो रियल ब्रदर ने मेक किया, और दोनों में एक कंपटीशन हुआ कि दोनों सिमिलर कार्विंग वर्क नहीं करेंगे, ओके। तो दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट वर्क किया है, जैसा आप विजिट करेंगे, ये एक बीच में बड़ा झरोखा है, इसके बीच में नींबू मिर्ची बंधा है, उसके आधे पार्ट को एक भाई ने मेक किया, आधे पार्ट को एक भाई ने मेक किया। अब इस बड़े झरोखे के पास में दो छोटी छोटी विंडो है, दोनों का डिज़ाइन अलग है, ओके। इसके ऊपर में आप देखेंगे एक टाइगर है, टाइगर के ऊपर शेर बैठा है, एलिफेंट के ऊपर शेर बैठा है। इधर में आप विजिट करेंगे एक सिपेसलार, एक सोल्जर। इसके ऊपर का जो रेलिंग है उसमें आप देखेंगे नीचे और ऊपर दोनों साइड फूल बनाए गए। इधर में आप देखेंगे नीचे नीचे फूल है, ऊपर कुछ नहीं, प्लान बनाया गया। तो दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट काम किया। ये प्रॉपर्टी मेक की गई 1885 में, 1885। ये एक रेजिडेंशियल पार्ट है, अंदर में फैमिली स्टे करता है, ग्राउंड फ्लोर तक आप जा सकते हो, उसके ऊपर अलाउड नहीं। सारा स्टोन के अंदर वर्क किया गया है, कार्विंग वर्क, और ये जो मोनोमेंट अपन विजिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं पटुओं की हवेलियाँ। पटुओं की हवेलियाँ क्योंकि ये एक ही स्पॉट पे 5 हाउस कमाइंड बिल्ड किए गए, पटुओं की हवेलियाँ। इसको जो इस प्रॉपर्टी के जो प्रॉपराइजर हैं उनका नाम है गोमान मल बाफना, जो जैन धर्म से रिलेटेड थे, और उनकी कास्ट का टाइटल है पटवा। पटवा में जो ज्वेलरी में, क्लोथ में, कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं पटवा। ही हैव 5 सन, इनके 5 पुत्र थे, उन्होंने अपने 5 लड़कों के लिए 5 घर बनवाए, 5 माले की इमारत है, 3 माले के अंदर लोग स्टे करते थे, 2 फ्लोर इसका बेसमेंट बनाया गया है जिसके अंदर वो लोग अपना सामान रखते थे, जस्ट लाइक गोदाम। ये इमारत बनाई गई 1800 से लेके 1860 में, एक घर को बनने में
12 साल का वक्त लगा, 5 घर बनते बनते 60 साल लग गए, और 1800 से लेके 1870-80 के टाइमिंग में ऑल एशिया में ये जो पर्सन थे गुमान मलबाफना, इनकी 350 शॉप्स थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रिचेस्ट पर्सन ये रहे होंगे, यानी कि आज से 300 साल पहले इनकी 350 दुकानें थी। मतलब यही अंबानी होंगे ना तब? हाँ, उस टाइम का अंबानी है। इसका हाउस विजिट करने अपन जाएंगे, अंबानी से भी रिचेस्ट था। अच्छा, ओके। तो यहाँ फोर्ट विजिट करने के लिए 100 रुपए की टिकट है। राजस्थान का, हिंदुस्तान का, या ऑल वर्ल्ड का कोई भी आप बिग ओल्ड प्रॉपर्टी विजिट करेंगे तो एक चीज नोटिस होगी कि एंट्रेंस डोर की चौड़ाई और हाइट कम है। अंदर जाने का जो वे बनाया गया उसको शॉर्ट बनाया गया, रूम्स जो बनाए गए वो एक भूल भुलाई की तरह बनाए गए। तो ये सारा सेफ्टी रीजन से होता था कि एक या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ अंदर एंटर नहीं करता। जो भी अंदर एंटर करेगा उसको अपनी गर्दन झुका के आना पड़ेगा। अंदर में जो भी लेडी या जेंट्स गार्ड रहता था वो तलवार लेके तैयार रहता था। जैसे ही शत्रु की गर्दन अंदर आई, गर्दन अलग, वे को शॉर्ट इसलिए बनाया गया कि ज्यादा मात्रा में शत्रु एक साथ अंदर नहीं जा पाए। 4-5 सीढ़ी के बाद में मोड़, 4-5 सीढ़ी के बाद में फिर मोड़, ये इसलिए रहता था कि जो भी शत्रु अंदर आएगा वो रन करके आएगा। जैसे ही वो 5 सीढ़ी के बाद में टर्न लेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, सामने वाला उस पर आसानी से अटैक कर सकता था। रूम्स को भूल भुलाए की तरह इस प्रकार बनाया गया कि जिसको अंदर के पार्ट का नॉलेज नहीं है उसको आसानी से एक से दूसरा चैम्बर नहीं मिलेगा। जब तक वो फाउंड करेगा सामने वाला प्रिपेयर हो जाएगा उसे फाइट करने के लिए। वेजिटेबल्स कलर और गोल्ड पॉलिश का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन विजिट होगा। बट ये रिन्यूएड पार्ट है, नो ओल्ड पार्ट। ये 16-17 साल पहले मिरर वर्क न्यू मेक किया गया। अब सिल्क रूट यहाँ पे चलता था, तो सिल्क रूट में यहाँ पे वर्क क्या होता था? सिल्क रूट तो चलता था, तो एक ड्रग आता है ओपियम, अफीम, उसकी मोस्टली खेती होती है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान से अफीम यहाँ पे आता था और यहाँ से अफीम जाता था चाइना मेडिसिन बनने के लिए, क्योंकि यहाँ से चाइना तक सिल्क रूट कनेक्टेड था। जिन्होंने ये हवेली खरीदी मात्र 60,000 रुपए में, 16,000 रुपए में, बट परसेंट में पर डे इस हवेली का कलेक्शन है 7-8 लाख रुपए। ओके, आप भी 300 देके आए हो ना? हाँ, मैनी टूरिस्ट विजिट करते हैं। सौ साल पहले लोगों में बहुत स्वैग था, देखो। अब इनकी 350 शॉप्स थी आज से 300 साल पहले। तो सेठ सबसे नहीं मिलते थे, तो मुनीम जी मीटिंग करते थे, जो भी बिजनेस रिलेटेड कम्युनिटी वगैरह, जो भी लेबर आती थी उनसे डील मुनीम करता था। तो ये मुनीम चैम्बर है, हमारे राजस्थान में ट्रेडिशनल है, जो भी गेस्ट घर पे आता है उसको ओपीएम सर्व करते हैं। ओके, तो ये सामने ओपीएम फिल्टर, हुक्का, ओल्ड चैन का लॉकर, बही खाते, ओल्ड चैन का रेडियो वेट नापने के लिए, ओल्ड चैन का टाइपराइटर, चरखा, बही खाते, और ये केरोसिन, मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा, घासलेट से चलने वाला फैन, जो इंग्लैंड से लाया गया, उसकी कार्य प्रणाली किस पद्धति पे ये काम करता है वो सारा लिखा गया है। ये सोना चांदी नापने के लिए औजार, मशीनरी, उनको काम करने के लिए वगैरह वगैरह। ये ओल्ड टाइम का बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर, ओल्ड टाइम के टेलीफोन, वॉच, रोल प्रेस, दोनों साइड दो तरफ से चलने वाला पंखा। अब हमारे राजस्थान में अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग परिधान पहने जाते हैं क्लोथ, जिससे पता चलता है कौन किस कास्ट का है। तो ये मर्चेंट लोगों की प्रॉपर्टी है, और सेठ लोगों में, ब्राह्मीण लोगों में, खत्री कम्युनिटी में साड़ीज पहनते हैं। तो अलग अलग ओकेजन में पहने जाने वाली कुछ साड़ीज। ये जेंट्स और लेडी का एक ट्रेडिशनल ड्रेस, पुराने टाइम में क्लोथ में काम होता था जिसे बोलते थे जरी वर्क, क्लोथ के अंदर गोल्ड और सिल्वर की वायर का काम, बट ये जरी नहीं है, जरी का कॉपी है। और राजस्थान के लोगों को एक टाइटल दिया गया मारवाड़ी। मारवाड़ी तीन चीज पे पैसे खर्च करेगा, हाउस मेक करने पे, मैरिज करने पे, और तीसरा ज्वेलरी पे, उसके अदरवाइज वो कहीं पे भी अनयूज पैसा खर्च नहीं करता। तो शॉर्ट क्वांटिटी में राजस्थान का कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ओल्ड टाइम का फोल्डिंग बाइसिकल, पीकदान, लैंप और पालकी, फोल्डिंग बाइसिकल, या जस्ट लाइक अ हाउस लॉकर। ओके, लॉक एंड कीज, बड़े ताले घरों के बाहर लगते थे, स्मॉल लॉक्स इनसाइड इन हाउस लगते थे। ये पति और पत्नी की सहमति से खुलने वाला ताला, इसकी दो चाबियां रहती थी, दोनों में अगर अनबन है तो ये ताला नहीं खुलता था।
ये कुछ एनिमल सेफ के जीव जंतुओं के राशियों पे आधारित कुछ लॉक ये कैमल की पीठ पे रखते हैं, इसको बोलते हैं पलान, ताकि ये आदमी ऊंट के ऊपर आसानी से बैठ सके। ये पटवा लोगों का बेडरूम शो किया गया है। ये जो सामने में बेड आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली सिल्वर है, चांदी है, चांदी का बेड। इसके ऊपर एक काम किया गया है, इसको बोलते हैं पेच वर्क। ये नेक्स्ट मैं आपको विजिट करूंगा, क्या राम कहानी है इसकी, समझेंगे आपको। बहुत हैवी क्वांटिटी में ये वर्क हमारे यहाँ की विलेजर्स लेडी करती है। ये उनका ड्रेसिंग रूम, ओल्ड टाइम का सिलाई मशीन, कपड़े के अंदर जरी का काम, चांदी की वायर का काम, वेट मशीन, प्रेस, केरोसिन, मिट्टी के तेल से चलने वाली प्रेस, पॉम्स, कंगियां, अलग अलग वुड का, मेटल का, मोजड़ी, जेंट्स और लेडी के कुछ ट्रेडिशनल परिधान। हिंदू कल्चर में होते हैं 16 संस्कार, लेडी करती है 16 श्रृंगार, तो ऊपर में 16 श्रृंगार की पेंटिंग, बेल्जियम ग्लास, वेजिटेबल कलर और गोल्ड पॉलिश का बेहतरीन वर्क। ये बिग पॉट रहते थे, इनके अंदर अनाज, वॉचर, फूड ऑयल वगैरह रखते थे। कक्ष हमारे राजस्थान में ट्रेडिशनल है, ये लकड़ी का फटा लगाते हैं, इसको बोलते हैं बाजोट। ओके, हाथ से चलने वाला पैन, पुराने टाइम का आइस बॉक्स, टिफिन, स्टीम कुकर। पीछे में आप एक पेंटिंग देखेंगे, क्योंकि इनकी 350 शॉप्स थी ऑल एशिया में, तो बहुत हैवी क्वांटिटी में फूड कुकिंग होता था, तो यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी और आज भी है। तो हमारे इधर में एक मैन मेड लेक है गड़ी सर, उसका जो खाली कैचमेंट एरिया है वहाँ पे इस प्रकार से पंडाल लगा के फूड कुकिंग, हैवी क्वांटिटी में फूड। रूफ सारा वुड का है, वुड के ऊपर ग्लास का वर्क है, ग्लास के ऊपर गोल्ड पॉलिश का काम किया गया है। ये उनका वीआईपी गेस्ट रूम, सामने जो फर्नीचर देख रहे हैं ये सारा चांदी का है, सिल्वर का, एंटिक सुराई, ग्रामोफोन, ओल्ड टाइम का रेफ्रिजरेटर जिसका कंप्रेसर ऊपर रहता था, जो केरोसिन मिट्टी के तेल से चलता था। ये भी उनका गेस्ट रूम ही है, पटवा से सामने बैठते थे उनके वीआईपी गेस्ट, उनके पास में बैठते थे, यहाँ पे डांस प्रोग्राम अरेंज होता था, यहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते थे। 1907 से लेके 1947 तक, 1837 से 1947 तक का लेटर कलेक्शन। हवेली के टेरेस पे और यहाँ से जहाँ सामने फोर्ट का जो व्यू है बहुत ही मस्त दिख रहा है। और हवेली में भाई बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, कोई कोई चीज़ों मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी हिस्ट्री है, तो रह जाता है, साथ में दो तीन गाइड्स भी है तो आवाज़ भी ओवरलैप होती है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं दिखाई, बट लेट मी शो यू द फोर्ट व्यू। देख के इतना थक गया कि हमसे यूज करने का मन ही नहीं कर रहा है, समझ रहा है कि भाई मैंने कल उनको बोला शूट करके अगर हम बैठते हैं ऑटो में, बहुत थक गया भाई। एक तो भीड़ बहुत है, दूसरा ना मुझे ऐसा लगता है कि अब थक गए हैं घूम घूम के, एक्चुअली सारे जगह पे कॉन्सेप्ट सेम ही है, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि बस सेम व्यूज पर जाके आराम से बैठ जाए, कल सुबह उठे, कल सुबह उठे, बहुत थक गया। लास्ट एक तीसरी हवेली बची है, वहाँ 10-15 मिनट का काम है, वीडियो बनाते हैं। गाइस हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हां उछलते उछलते वीडियो बना रहे हैं हम। ये जो पार्ट आप विजिट कर रहे हैं इसको बोलते हैं दीवान नटमल जी की हवेली। दीवान मींस अकाउंटेंट। हमारे सालम सिंह की हवेली
सालम सिंह के टाइम जो राजा थे वो इतने कैपेबल नहीं थे शासन करने में, तो वीटो पावर इनके पास में रहा। इनकी वजह से एक ही नाइट में एक ही कास्ट के 84 विलेज यहाँ से माइग्रेट हो गए। आज भी उन 84 विलेजेस में कोई स्टे नहीं करता है। उसमें से एक गांव पड़ता है जो डेजर्ट के बीच में आता है, कुलतरा, जिसको बोलते हैं हॉन्टेड विलेज, हॉरर विलेज, बट वो हॉन्टेड हॉरर नहीं है। काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग उसमें होने के कारण उसको हॉन्टेड हॉरर बोलते हैं, बट वो सारे श्रापित गांव हैं। आज भी उन गांव में कोई रह नहीं सकता, वो इनकी वजह से खाली हुए। उन पाली वालों की एक लड़की थी सुंदर, सालम सिंह ने कंडीशन रखी कि मैं उससे शादी करूँगा। उन्होंने बोला कास्ट मैच नहीं होती, आप मर्चेंट हो, सेठ हो, बनिए हो, हम ब्राह्मण हैं, शादी नहीं होगी। तो सालम सिंह ने उनके ऊपर इतने टैक्स थोपे, उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज खाली करके चले गए, जिसमें से एक गांव है कुलतरा। ये भी एक रेजिडेंशियल पार्ट है, आधे पार्ट में उनका फैमिली जनरेशन बाई जनरेशन अंदर स्टे करता है। 5 अंदर में एम्प्टी रूम्स हैं, अंदर में कोई साजो सामान नहीं है। 50 रुपये एंट्री टिकट है पर हेड। ये है दीवान सालम सिंह की हवेली। इनकी राजा के द्वारा हत्या करवाई गई। इनकी हत्या के बाद में इसके ऊपर के 2 फ्लोर जो आपको दिख रहे हैं ना, थोड़े डिस्ट्रॉय हुए हुए, ये राजा द्वारा तोड़वाए गए। इसके ऊपर के 2 फ्लोर और थे जिसको बोलते थे शीश महल, जिनको राजा द्वारा तोड़वाया गया। इनकी 3 कंडीशन थी कि एक तो यहाँ का जो राजा शासक वर्ग है वो है भाटी राजपूत, भाटी वंश को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। दूसरा, किले से ऊंची मेरी प्रॉपर्टी होगी। और तीसरा, मेरी प्रॉपर्टी से रानी के महल तक सीधा वे जाएगा। मगर इन्होंने किले से ऊंची अपनी प्रॉपर्टी बनाई, काफ़ी हद तक भाटी वंश को ख़त्म भी किया, बट ये वे नहीं बना पाए और इनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में इसके ऊपर के 2 फ्लोर को डिस्ट्रॉय किया गया। ये है दीवान सालम सिंह की हवेली, मोती महल, इसको लाइट हाउस भी बोलते थे सिल्क रूट के टाइम।